भाइयों और बहनों, जय किसान के साथ साथ जय जवान भी हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित हमारे जवानों को सम्मान और सही सुविधा मिले, ये प्रयास हमारा निरंतर रहा है। जबकि दूसरी तरफ सपा बसपा के जो लोग हैं उनका क्या रुख है, जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तब सपा बसपा वालों ने क्या कहा था, उनके बयान जरा याद कीजिए। भाइयों और बहनों, जो पाकिस्तान के पक्ष को ही सही मानते हैं, हमारे सपूतों की बात को नहीं सुनते, क्या उनके हाथ में देश सुरक्षित रह सकता है? सब लोग बताएंगे तो पता चलेगा, देश सुरक्षित रह सकता है? ये देश को सुरक्षा दे सकते हैं? जवानों को सम्मान दे सकते हैं? सेना को मजबूत बना सकते हैं? भाइयों बहनों, जो मजबूर सरकारें हैं वो आतंकियों को उनकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ बहन जी का एक भी बयान आया क्या, बताइए ना, आया क्या? आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द बोलती है क्या? क्यों डर लग रहा है क्या? क्यों नहीं बोल रहे हो? ये सपा वाले बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं क्या? आतंकवाद एक खतरा है कि नहीं है? आतंकवाद निर्दोषों को मारता है कि नहीं मारता है? आतंकवाद सबकी जिंदगी तबाह करता है कि नहीं करता है? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है? कौन खत्म कर सकता है? आतंकवाद के सामने सीना तान करके कौन खड़ा हो सकता है? 5 साल में मोदी ने कभी भी आतंकवाद के सामने अपने घुटने टेके हैं क्या? कभी मोदी झुका है क्या? कुछ भी हो जाए मोदी ने परवाह की है क्या? आपको मोदी पे भरोसा है? आपको मोदी पे भरोसा है? भाइयों बहनों, मोदी एक काम कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। मोदी ने जो किया सही किया, करना चाहिए था। आप खुश हैं, आपको संतोष है, लेकिन मुझे बताइए ये मोदी क्यों कर पाया? भाई, मैं गुजरात में इतने लंबे समय मुख्यमंत्री रहा, लेकिन कर पाया क्या? नहीं कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। सही है कि नहीं है? और मैं प्रधानमंत्री कैसे बना? क्या ऑक्शन में प्रधानमंत्री की कुर्सी लाया हूं क्या? भाइयों बहनों, मोदी प्रधानमंत्री इसलिए बना क्योंकि आपने कमल के फूल पर बटन दबाया। आतंकवाद को किसने, आतंकवाद में घर में घुसकर किसने मारा, किसने मारा? जी नहीं, मोदी ने नहीं मारा, ये आपके एक वोट ने मारा है। आपके वोट ने मारा, ये आपके वोट की ताकत है जो आतंकवाद को घर में घुस करके मारता है।